नहीं फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक ऑडियो एम्पलीफायर बनाएं और उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करें या मॉसफेट यूज़ करें तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और इसका जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बड़े बड़े जो ऑडियो डिज़ाइनर हैं उनके बीच में भी इस बात पे डिफेंस है कि हाँ कौन सी चीज़ अच्छी होती है ज़्यादा ऑडियो में। लेकिन फिर भी अपने लिमिटेड नॉलेज के बेस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में से ऑडियो एम्पलीफायर के रूप में कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो स्टार्ट होने के पहले। इसके पहले कि हम ये डिसाइड करें कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में से कौन सा अच्छा है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजिस्टर है क्या। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजिस्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर या सिग्नल्स को एम्पलीफाई या स्विच कराने के लिए यूज़ होता है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम का बना होता है और इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए, और एक वोल्टेज और करंट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है इसके कुछ पिंस पे, जो कि दूसरे पिंस की वोल्टेज और करंट्स को कंट्रोल करता है। अगर आप बहुत ही सिंपल शब्दों में जानना चाहेंगे तो ट्रांजिस्टर की तुलना हम कर सकते हैं एक वाटर के टैप से। जैसे वाटर के टैप में एक साइड से पानी आता है और एक साइड से पानी निकलता है, और उस पानी को कंट्रोल करने के लिए एक घुमाने वाला सिस्टम होता है उसमें, तो इस तरीके से हम बेस कलेक्टर और इमीटर की तुलना कर सकते हैं ट्रांजिस्टर की। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तुलना है। और आइए अब जान लेते हैं कि मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि ये भी ट्रांजिस्टर का एक वेरिएशन है, एक रूप है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये एडवांस है, लेकिन इसका इन्वेंशन थ्योरेटिकली ट्रांजिस्टर के पहले 1926 में हुआ था, लेकिन उस समय इसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए कोई बना नहीं पाया। सिर्फ आइडिया को पेटेंट करा लिया गया और 1947 में ट्रांजिस्टर बना। और उसके बाद में जब मॉसफेट का पेटेंट एक्सपायर हो गया तो ट्रांजिस्टर के बेस पे मॉसफेट को भी बना लिया गया। तो इसका काम भी सेम वही है जो ट्रांजिस्टर का काम है, लेकिन अंतर क्या है कि जैसे उसमें तीन पिंस थी, बेस कलेक्टर इमीटर, तो इसमें भी तीन पिंस होती हैं, लेकिन उन्हें हम बोलते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स, जो कि कंपेरेबल होती है बेस कलेक्टर और इमीटर के। और मेन अंतर क्या है, जो सबसे बड़ा अंतर है टेक्निकली, वो है कि ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, यानी कि उसके बेस पर हम करंट देते हैं तो उसका आउटपुट चेंज होता है। जबकि मॉसफेट जो होता है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि इसके गेट पर हम वोल्टेज जब कम ज्यादा करते हैं तो इसका आउटपुट चेंज होता है। दोस्तों, आगे मैं जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो थोड़ा टेक्निकल रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट लगभग एक ही प्रजाति के चीज हैं और इसका अंतर सिर्फ टेक्निकली समझाया जा सकता है, कोई फिजिकल या कुछ इस तरह का अंतर मैं नहीं समझा सकता। तो मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसे सामान्य शब्दों में भी बताऊंगा, और थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कंक्लूजन देखिएगा, कंक्लूजन में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कौन सा है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सेकेंडरी ब्रेकडाउन। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर का एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रेकडाउन। जब हम इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वर्किंग वोल्टेज, सपोज कीजिए कि हमारा ट्रांजिस्टर 100 वोल्ट पे चलने के लिए बना है, और जब हम उसको 100 वोल्ट देंगे उसके बाद एक इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जो कि लगभग 120 वोल्ट के करीब होती है। तो 100 से 120 वोल्ट जो ही इंक्रीज होगा, हमारा ट्रांजिस्टर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अचानक से ही वो उस 20 वोल्ट को सह नहीं सकता है। जबकि मॉसफेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मॉसफेट 100 वोल्ट पे काम करने के लिए बना है तो उसको आप थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी वोल्टेज बढ़ा के देंगे तो काम करेगा। तो सेफ ऑपरेशन एरिया जो ट्रांजिस्टर का होता है, जितनी वर्किंग वोल्टेज होती है उसके आधा होता है। सपोज कीजिए कि एक ट्रांजिस्टर अगर 100 वोल्ट पे चलने के लिए बना है तो हम उसको 50 वोल्ट पावर सप्लाई पे ही चलाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा देंगे तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन या वोल्टेज में स्पाइक्स की वजह से वोल्टेज कभी भी सेकेंडरी ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर जाएगी और ट्रांजिस्टर तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन मॉसफेट तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये सह लेता है। मॉसफेट की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, और ट्रांजिस्टर की कम होती है। यद्यपि दोनों कैटेगरी में आपको मार्केट में हर तरह के ट्रांजिस्टर या मॉसफेट मिलेंगे, आप जैसा लेंगे वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। और एक
सबसे बड़ी कमी है ट्रांजिस्टर में, जो कि मॉसफेट में नहीं है। ट्रांजिस्टर टेम्परेचर के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है, उसकी वजह से उसमें हीट ज़्यादा क्रिएट होती है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि ट्रांजिस्टर अचानक ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मॉसफेट जो होता है टेम्परेचर के लिए निगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, यानी हीटिंग कम होती है। यद्यपि ये थ्योरेटिकली कहा जाता है, वहाँ भी ऐसा ही होता है, तो लेकिन एक तरह से जनरल कॉन्सेप्ट में देखें तो टेम्परेचर का इफेक्ट मॉसफेट पे कम पड़ता है। इसलिए जहाँ पे मजबूत और स्ट्रांग जहाँ पे चीज़ें चाहिए और जहाँ पे गर्मी का ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, वहाँ पे हमें मॉसफेट यूज़ करना होता है। ट्रांजिस्टर में एक तरह से डिस्टॉर्शन, ये बहुत ही डिबेटेबल है, किसी किसी फ्रीक्वेंसी पे क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन मॉसफेट में ज़्यादा होता है, ट्रांजिस्टर में कम होता है, और कुछ स्विचिंग डिस्टॉर्शन मॉसफेट में कम होता है, ट्रांजिस्टर में ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो डिज़ाइन पे डिपेंड करती हैं, इनको आप कंसिड्रेशन में नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एक अच्छा डिज़ाइन करके बनाया है तो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर ज़्यादा अच्छा होगा, अगर एक आपने बैड डिज़ाइन करके बनाया है तो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर भी ख़राब हो सकता है, और एक अच्छा डिज़ाइन मॉसफेट है तो अच्छा काम करेगा और एक बैड डिज़ाइन मॉसफेट एम्पलीफायर है तो ख़राब काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम सर्किट के हिसाब से कंट्रोल रख सकते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है ड्राइविंग, यानी कि ट्रांजिस्टर को जब हम चलाते हैं, सपोज कीजिए हमारे 10 ट्रांजिस्टर पैरेलल में हैं, तो उनकी बेस की करंट बढ़ती जाती है। अगर एक ट्रांजिस्टर को सपोज कीजिए कि 200 मिली एम्पियर चाहिए होगा, तो अगर हमने पैरेलल में 10 ट्रांजिस्टर लगाए हैं तो उनको 2 एम्पियर का करंट चाहिए होगा ड्राइव करने के लिए, यानी कि ड्राइवर स्टेज भी बढ़ाना पड़ता है जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते हैं। लेकिन मॉसफेट में ये नहीं है, क्योंकि वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, करंट बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। यानी कि एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर आपने लगाया हुआ है तो उससे आप 10 मॉसफेट ड्राइव कर रहे हैं, उसी ड्राइवर ट्रांजिस्टर से आप 20 मॉसफेट भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग का सिंप्लीफिकेशन है। मॉसफेट को ड्राइव करना ईजी है ट्रांजिस्टर की तुलना में। एक प्रॉब्लम है आइडियल करंट जो होता है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का एम्पलीफायर काम नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम का जो आइडल करंट होता है वो ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर में कम होता है। यानी कि अगर आपका एम्पलीफायर बंद है तो मॉसफेट वाला एम्पलीफायर ज़्यादा करंट खाएगा और ट्रांजिस्टर वाला एम्पलीफायर कम करंट खाएगा। अच्छा, जब हम ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का एम्पलीफायर बनाते हैं, बड़े एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि डिवाइसेस को पैरेलल करते हैं। एक डिवाइस लगाते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 ट्रांजिस्टर भी आप पैरेलल में लगा सकते हैं, इसी तरीके से 50 मॉसफेट भी आप पैरेलल में लगा सकते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के पैरेलल करने के तरीके में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि ट्रांजिस्टर आप बिना मैच किए एक हद तक लगा सकते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको मैच करना पड़ता है, और मॉसफेट जो है आपको एकदम स्ट्रांगली मैच करके ही लगाना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर आप बिना मैच किए लगा सकते हैं, इतना कम ज़्यादा चल जाएगा। एक की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी कुछ अलग है, एक का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्री से जब बैच वाइज मॉसफेट या ट्रांजिस्टर आता है तो सबके कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा थोड़ा सा। तो जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं वो बिल्कुल मैच करके डिवाइसेस लगाते हैं, यानी कि वो हज़ारों डिवाइसेस खरीदेंगे, उनको मैच करेंगे, और जो मैच कर रहे होंगे उनको बैच वाइज वो लगाएंगे। मॉसफेट के साथ ये मैचिंग बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। सपोज किया कि आपने 10 मॉसफेट पैरेलल में लगाया है और मैच करके नहीं लगाया है, तो उसमें से कुछ मॉसफेट ज़्यादा लोड लेंगे और कुछ मॉसफेट कम लोड लेंगे, इस तरह से उनके खराब होने के चांस रहेंगे। इसी वजह से जो हम खुद से एम्पलीफायर बनाते हैं, मॉसफेट एम्पलीफायर बनाना मुश्किल है, क्योंकि आपको 10 मॉसफेट मैच करने के लिए कम से कम 100-200 मॉसफेट चाहिए, तो इतने तो हम नहीं खरीद सकते। तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट होता है, कंपनीज के लिए भी डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से आप देखते हैं कि प्रोफेशनल ऑडियो में भी मॉसफेट के एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं फ्रेंड्स, और ऑसिलेशन के चांस मॉसफेट एम्पलीफायर में ज़्यादा होते हैं।
और पैरासाइटिक ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी कि एक मॉस्फेट ऑसिलेट करेगा तो बाकी भी ऑसिलेट करने लगेंगे और कुल मिला के आपका सर्किट उड़ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तब आती है जब आपका सर्किट पुअरली डिज़ाइन किया गया हो, यानी कि जैसे कि हम खुद से हाथ से बनाते हैं उस समय ये कंडीशंस ज़्यादा आ सकती हैं। कंपनीज तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करती हैं, उनका डबल साइडेड पीसीबी भी होता है, शील्डिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से होती है और कंपनसेशन वगैरह काफ़ी अच्छा करते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। डू इट योर सेल्फ यानी कि खुद से बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ज़्यादा पावर। ज़्यादा पावर के लिए निसंदेह ही मॉस्फेट सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी करंट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रांजिस्टर की तुलना में। आप एक पेयर मॉस्फेट से 200 वाट का आउटपुट आराम से ले सकते हैं, लेकिन एक पेयर ट्रांजिस्टर से 200 वाट का लेना मुश्किल हो जाएगा। हार्डली इस समय जो मार्केट में ट्रांजिस्टर उपलब्ध है, पर पेयर 100 वाट मिलता है, जबकि किसी भी नॉर्मल मॉस्फेट से आप 200 वाट आराम से एक पेयर से ले सकते हैं। इसलिए ज़्यादा रग्ड जहाँ पे चाहिए, जैसे कि स्पेशली सब बूफर एम्पलीफायर होते हैं, उसमें मॉस्फेट बहुत ही सक्सेसफुल है, क्योंकि हाई करंट सप्लाई करने में बहुत अच्छा होता है। दूसरा एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है दोस्तों, ये एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है जिसे सब लोग नहीं समझ पाते हैं। मॉस्फेट के गेट में कैपेसिटेंस होता है, जैसे जैसे पावर आप मॉस्फेट की बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है, और जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही हाई फ्रिक्वेंसी को वो रोकता है, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का नियम है। तो मॉस्फेट एम्पलीफायर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहिए तो ज़्यादा पावर का जो मॉस्फेट एम्पलीफायर होगा उसका हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ट्रांजिस्टर के साथ ही ऐसा नहीं है, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर जो कि अच्छे से डिजाइंड है क्लास ए बी का, वो आपका 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक बिल्कुल फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। मॉस्फेट के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, वो जिस कैटेगरी के लिए एम्पलीफायर बनाया गया होता है, जैसे कि सब वूफर एम्पलीफायर है तो सब वूफर में ही अच्छा काम करेगा, मिड रेंज का एम्पलीफायर है तो मिड रेंज में अच्छा काम करेगा, और ट्रिबल का एम्पलीफायर है तो ट्रिबल में अच्छा काम करेगा। उसको आप किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर है उसे आप जनरल पर्पज़ में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पे एक बहुत भारी चीज़ पड़ जाती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ही मास प्रोडक्शन हो रहा है इनका और बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज होते हैं, और स्पेशली ऑडियो में। तो ऑडियो में इनकी कॉस्ट ट्रांजिस्टर की कम होती है। मॉस्फेट को बनाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई है और उसमें और उसकी लागत कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से मॉस्फेट ज़्यादा महंगा मिलता है। तो कॉस्ट वाइज मॉस्फेट एम्पलीफायर बढ़िया होते हैं। और एक फाइनल चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है एक लीनियर डिवाइस है, यानी कि लीनियर में काम करता है। कम पावर भी चाहिए तो दे सकते हैं, ज़्यादा पावर भी आउटपुट करेगा, कम फ्रीक्वेंसी पे भी काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम करेगा। और मॉस्फेट बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस है, यानी कि स्विच करने के लिए बनाई गई थी। तो ये स्विच के रूप में जैसे कि इन्वर्टर्स वगैरह में और जहाँ फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। लीनियरिटी में थोड़ी सी गड़बड़ होती है इसके, इसीलिए इसको ज़्यादा एम्पलीफायर्स में अभी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये स्विचिंग इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और आजकल के ज़माने में जबकि ज़्यादा एम्पलीफायर्स क्लास डी के आ रहे हैं, तो क्लास डी के एम्पलीफायर्स के लिए मॉस्फेट एकदम ही 100% सुटेबल है। इसलिए क्लास डी के एम्पलीफायर में आप कभी भी ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं देखेंगे, हमेशा और हमेशा वहाँ मॉस्फेट ही यूज़ होता है। तो दोस्तों मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप होम ऑडियो में यूज़ कर रहे हैं या लो पावर में यूज़ कर रहे हैं तो आप मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर किसी का भी यूज कर सकते हैं, और लो पावर के लिए चूंकि ट्रांजिस्टर ज़्यादा सुटेबल होता है तो उसे ही यूज़ कीजिए। लेकिन अगर प्रोफेशनल ऑडियो में आप यूज़ कर रहे हैं तो 1000 वाट तक की पावर या कि मिड रेंज और हाई फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर है उसमें आप ट्रांजिस्टर का यूज़ कीजिए, और लो फ्रीक्वेंसी यानी कि सब बूफर के लिए आप मॉस्फेट के एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं। यही सिलेक्शन सबसे बढ़िया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट, और इनका फ़र्क इतना माइन्यूट होता है कि आप कानों से पता नहीं कर सकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि सर्किट के अंदर क्या चल रहा है। आपको अल्टीमेटली आवाज़ सुनाई देती है, और अगर आवाज़ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है।
तो फ्री होके आप कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन प्रोफेशनल ऑडियो जो कि बहुत ज़्यादा पावर्स के 5,000 10,000 वाट के यूज़ होते हैं, वहाँ पर आप मिड और हाई के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ कीजिए और लो फ्रिक्वेंसी के लिए मॉसफेट का यूज़ कीजिए। यही था मेरा कंक्लूजन। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक्स एंड बाय।